हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ पतले हल्के बालों पे ब्यूटीफुल से पार्टी बन हेयर स्टाइल। शादियों का सीज़न चल रहा है और आजकल सबको, लगभग सबको ये प्रॉब्लम चल रही है कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, जिसकी वजह से बाल बहुत पतले हो गए हैं। इसीलिए मैं इस टाइप की हेयर स्टाइल्स आप लोग के लिए लेकर आती हूँ ताकि आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे वीडियोज़। तो आज जो हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ वो, शादियों का सीज़न चल रहा है, पार्टी में, शादी में आप ये सारे हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। साड़ी पहन रहे हो या फिर गाउन पहन रहे हो या फिर लहंगा पहन रहे हो, आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो ये इयररिंग्स मैंने दुकान से ली थी, तो इसका लिंक वगैरह मैं नहीं दे पाऊँगी। पहले भी मैंने एक इयररिंग्स पहनी थी जिसकी जिसकी लिंक हम मुझसे मांग रहे थे मेरे व्यूवर्स, तो बट वो भी मेरी मैंने दुकान से ली थी, तो उसका भी लिंक मैं आप लोग को नहीं दे पाई। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हेयर स्टाइल है, अगर आप टीका ऐड करना चाहते हो तो पहले आप टीका ऐड कर लेना, उसके बाद से हेयर स्टाइल स्टार्ट करना। मैं विदाउट टीका ही बता दे रही हूँ। तो फर्स्ट हेयर स्टाइल मैं बीच मांग से कर रही हूँ। इस तरीके से, और बीच से यहाँ से सेंटर से थोड़ा सा हेयर उठाएंगे, इसको कॉम कर लूँगी। जब भी आप मिडिल पार्टीशन करते हो तो बहुत लंबी मांग मत निकाला कीजिए। उसके बाद से थोड़ा सा हेयर को इस तरीके से ट्विस्ट करूँगी, हल्का सा आगे की तरफ से पुल करूँगी, जिससे कि हल्का सा पफ का लुक आ जाए, बहुत बड़ा पफ नहीं बनाना है यहाँ पे। और इस पे पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। पिन को कुछ इस तरीके से लगाना है, क्रॉस करते हुए। क्रॉस करते हुए लगाने से क्या होता है ना कि जो आपका हेयर स्टाइल है वो वहीं पे टिका रहता है, कहीं से हेयर खींचते नहीं हैं, एंड जैसा आप चाहते हो वैसा लुक मिलता है आपके हेयर स्टाइल को। इसीलिए क्रॉस करके पिन लगाना चाहिए। अब यहाँ से सिंपली थोड़ा थोड़ा हेयर लेके ट्विस्ट करेंगे। ओके, आप चाहो तो लेयर्स निकाल सकते हो। ओके, इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए ट्विस्टिंग को पीछे तक लेके जाएंगे, जहाँ पे हमने ये पिंस लगाए हुए हैं वहाँ तक। हल्का सा लूज छोड़ेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम दिखे, और एक और पिन से इसको यहाँ पे सिक्योर कर देंगे। ओके, छोटे बाल हैं तो ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगेगा। आप उसको ओपन भी छोड़ सकते हो अगर बहुत छोटे हैं तो, और थोड़े से मेरे जैसे मीडियम लेंथ में हैं तो मैं इसके साथ बन भी बता दे रही हूँ आपको। ट्विस्ट करते वक्त जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है, ऊपर की तरफ से, यहाँ से बीच से मांग नहीं दिखनी चाहिए। जो स्कैल्प का है, स्कैल्प दिखती है वो नहीं दिखना चाहिए हमारे यहाँ पे। हल्का सा लूज करेंगे जिससे कि हेयर स्टाइल में थोड़ा सा वॉल्यूम दिखे ट्विस्टिंग में, क्योंकि अक्सर पतले बाल होते हैं तो हमारे यहाँ से हेयर बहुत पतले हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आप इस तरीके से लूज छोड़ोगे तो यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम आ जाएगा। फिर भी अगर वॉल्यूम नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आप इसको खींच लेना जिससे कि वॉल्यूम आ जाएगा बालों में। यहाँ पे क्लिप लगा दिया है। अब हमारे बाल छोटे हैं, पतले हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको एक डोनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो डोनेट रखना पड़ेगा अगर बहुत बहुत पतले और छोटे बाल हैं तो, और अगर पतले हैं लंबे हैं तो आप ऐसे भी बना सकते हो। तो आपको पोनी जहाँ पे मैं कर रही हूँ वहाँ पे भी कर सकते हो, और चाहो तो थोड़ा सा लो में भी बना सकते हो। और इसके बाद आपको एक रबड़ बैंड चाहिए, इस तरीके का रबड़ बैंड ले लेना है। आप चाहो तो एकदम नीचे भी बना सकते हो, चाहो तो जहाँ पे मैं बना रही हूँ यहाँ पे भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा ही अच्छा लगता है बन। तो इस तरीके से बना दिया है मैंने। उसके बाद आपको डोनेट ले लेना है, और जो आपने पोनी बनाई है उसके ऊपर इस तरीके से कर लेना है, और इस तरीके से डोनेट के अंदर से फिंगर को इंसर्ट करना है। एंड आपको जो हेयर बचे हुए हैं उसको इस तरीके से लेना है। अगर छोटे बाल हैं तो भी ये बहुत अच्छे से हो जाएगा, इतने पे ही अगर आपका बाल ख़त्म हो जाता है तो आप छोड़ दो। उसके बाद से इसको सारे हेयर को डोनेट के चारों तरफ इस तरीके से फैला दो। ओके, तो ब्यूटीफुल सा बन आपका बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा, और जो हेयर बचे हुए हैं उसको भी आप इस तरीके से बन के चारों तरफ लपेट दो, और एक यू पिन से इसको सेट कर दो।
एक नहीं दो तीन यूपिन्स लगा लीजिएगा ताकि जो आपका हेयर स्टाइल है वो लॉन्ग टाइम तक थोड़ा चले। तो ओके, उसके बाद आप चाहो तो इस तरीके के जो फ्लावर्स वाले यूपिन्स आते हैं वो आप अपने बन में अटैच कर सकते हो, जिससे कि आपको बन को और अच्छा लुक मिल जाएगा थोड़ा। मैं यहाँ पे 6-7 यूपिन्स ऐड करूँगी, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा जितना आपको चाहिए होगा। जिस तरीके से आपको आपके बन को सजाना है उस तरीके से आप लगा लीजिएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे यूपिन्स लगा दिए। आप चाहो तो इसके साथ गजरा भी ऐड कर सकते हो, आपका हेयर स्टाइल और भी अच्छा ब्यूटीफुल दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल गजरा रखा हुआ है जिसको मैं ऐड कर रही हूँ, शादियों का सीज़न है तो ये चाहिए ही हमको गजरा। तो ये हमारा बन बन के रेडी हो गया, इसको आप यूपिन से सेट कर लेना गजरे को। तो कैसा लग रहा है आपको ये पतले हल्के बालों में एंड छोटे बालों में आप ये ब्यूटीफुल सा बन बना सकते हो? शादी है, पार्टी है, फंक्शन है, आप साड़ी पहन रहे हो तो भी बहुत अच्छा लगेगा। मैरिड हो तो, अगर साड़ी पहन रहे हो तो बहुत अच्छा लगेगा ये वाला हेयर स्टाइल। मैरिड वुमेन शादीशुदा हो तो भी अच्छा लगेगा। इसके साथ आप टीका ट्राई ज़रूर करना, अगर आप शादियों का सीज़न है शादी में अगर बना रहे हो ये हेयर स्टाइल तो टीका ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, बहुत अच्छा लुक आएगा आपके हेयर स्टाइल का। तो आप चाहो तो अगर इस टाइप का इयररिंग्स है तो इसको भी आप टीके के जगह पे इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ आप कर सकते हो। इसी इयररिंग्स का लिंक मुझसे मांगा था मेरे व्यूवर्स ने बट मेरे पास नहीं था, तो इस तरीके से आप लगाओगे तो ये काफ़ी अच्छा दिखता है। अगर आप पल्लू रख रहे हो इस तरीके से टीके को इयररिंग्स को लगा के और यहाँ पे पल्लू रख लोगे तो ये थोड़ा यूनिक सा लुक देता है जो कि काफ़ी स्टाइलिश और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो आई होप कि आज का हेयर स्टाइल आप लोग को पसंद आया हो और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा ही पतले हैं और यहाँ से स्कैल्प दिख रहा है तो आप जो हेयर जेल होता है या फिर वो हेयर सेटिंग स्प्रे होता है उसको लगा के कॉम के ऊपर लगा के ऐसे कॉम कर दोगे तो वो सेट हो जाएगा और आपका स्कैल्प नहीं दिखेगा। तो कैसी लगी आप लोग को मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स हेयर स्टाइल पतले हल्के बालों पे ये ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल बनाने के लिए? आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की हेयर स्टाइल्स की वीडियोस देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। मेरा जो सेकंड चैनल है सिलाई कोर्स प्रीति तिवारी, इस पर भी जरूर जाइएगा, उसको भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं उस चैनल पर भी आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। हाँ, अगर आप शादी वगैरह में ये हेयर स्टाइल बना रहे थोड़ा लाइनर थोड़ा मेकअप ज़रूर कर लीजिएगा, मैंने मेकअप वगैरह नहीं किया हुआ है तो और भी अच्छा लुक आ जाएगा आपके हेयर स्टाइल का और आपके लुक आपका जो भी आप रेडी होगे उसका। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।